नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महिला टीचर ने छोटी सी गलती पर मासूम को बेरहमी से पीटा। प्रयागराज के ओनोर गांव में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र की महिला टीचर ने बेरहमी से पिटाई कर दी, फिर उसके मुंह में डंडा भी डाला। बच्चे के परिजनों को शिकायत पर महिला टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से महिला टीचर की बर्बरता देखने को मिली है, जहां उसने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बेरहमी से पिटाई कर डाली। टीचर का गुस्सा यहां भी शांत नहीं हुआ तो उसने छात्र के मुंह में डंडा डाल दिया। इससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र के परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक ओनोर गांव निवासी अनिल कुमार प्रजापति का बेटा अंकित गांव के ही प्राइमरी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। स्कूल की टीचर रोशनी मिश्रा छोटी सी गलती पर अंकित से नाराज होकर उसे थप्पड़ मारने लगी। टीचर इतनी भी शांत नहीं हुई तो उसने क्लास में पड़ा डंडा उठाया और अंकित के मुंह में डाल दिया। गंभीर रूप से घायल अंकित को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके इलाज जारी है। एसएचओ मेजर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीचर द्वारा छात्र के साथ की गई बर्बरता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने नौनिहाल के साथ दुर्व्यवहार करने पर टीचर की निंदा की और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला टीचर ने छोटी सी गलती पर मासूम को बेरहमी से पीटा। प्रयागराज के ओनोर गांव में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की महिला टीचर ने बेरहमी से की पिटाई, फिर उसके मुंह में डंडा डाल दिया। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर महिला टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से महिला टीचर की बर्बरता देखने को मिली, जहाँ उसने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बेरहमी से पिटाई कर डाली। टीचर का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ तो उसने छात्र के मुंह में डंडा डाल दिया। इससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र के परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक ओनोर गांव निवासी अनिल कुमार प्रजापति का बेटा अंकित गांव के ही प्राइमरी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। स्कूल की टीचर रोशनी मिश्रा छोटी सी गलती पर अंकित से नाराज होकर उसे थप्पड़ मारने लगी। टीचर इतने में भी शांत नहीं हुई, उसने क्लास में पड़ा डंडा उठाया और अंकित के मुंह में डाल दिया। गंभीर रूप से घायल अंकित को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इसका इलाज जारी है। एसएचओ मेजर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीचर द्वारा छात्र के साथ की गई बर्बरता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने नौनिहाल के साथ दुर्व्यवहार करने पर टीचर की निंदा की और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इससे पहले मथुरा से भी ऐसी ही मिलती जुलती खबर सामने आई थी, जहां गोवर्धन कस्बे के एक स्कूल में टीचर और प्रबंधक पर बच्चे से मारपीट का आरोप लगा था। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा 5वीं कक्षा का छात्र है। छोटी सी गलती के कारण टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा। जब इसकी शिकायत प्रबंधक को की गई तो उन्होंने भी बच्चे की पिटाई कर डाली। पिटाई के कारण बच्चे को काफी चोटें आई, उसके पैर पर डंडों के निशान तक छप गए। बच्चे ने घर आकर पूरी बात परिजनों को बताई। परिजनों ने क्लास टीचर और स्कूल प्रबंधक कृष्णकांत शर्मा के खिलाफ गोवर्धन थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।